आप एक स्क्वायर के साथ तो फेमिलियर होंगे ही। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका कि हर एक साइड इक्वल होता है और जिसका हर एक इंटरनल एंगल भी इक्वल मेजरमेंट का होता है, और ये बराबर होता है किसके? जी हाँ, ये बराबर होता है 90 डिग्री के। इसके हर एक इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब आप एंगल के साथ फेमिलियर हैं, होना भी चाहिए। इस लेवल पे आपको एंगल के साथ फेमिलियर होना ही पड़ेगा। इस तरह के एंगल्स को हम प्लेन एंगल कहते हैं और इसे हम मेजर करते हैं डिग्री से, मतलब इसका यूनिट होता है डिग्री, जिसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट था मीटर, फिर भी हम किलोमीटर को क्यों यूज करते हैं? फिर भी हम सेंटीमीटर मिलीमीटर को क्यों यूज करते हैं? क्या कारण है? कन्वीनियंस के लिए। बहुत बड़ा लेंथ हो तो मीटर में उसे मेजर करना ये कम्बरसम होता है। ये आसान होता है कहना कि 150 किलोमीटर, उसके बजाय अगर हम 1.5 लाख मीटर कहें तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होगा। सिमिलरली 2 सेंटीमीटर समझना बहुत आसान होता है, लेकिन 0.02 मीटर ये उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। सो एग्जिस्टिंग यूनिट रहने के बावजूद अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसी के एक्सटेंशन में और भी बहुत सारे यूनिट्स को डेवलप करते हैं और उन्हें यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस सहूलियत के हिसाब से। उसी सेम लॉजिक से डिग्री को भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है और इसके बदले एक नए यूनिट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, खासकर फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये जो डिग्री है ये आपको आगे चल के बहुत दुख देगा अगर इसे आप फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में अप्लाई करें तो। बल्कि इसके बदले अगर हम रेडियन नाम के यूनिट को अप्लाई करें, इंट्रोड्यूस करें, तो ये आगे की राह जो है वो आसान बना देगा। सफल लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास 2 राह हो, एक आसान एक कठिन, तो कठिन राह को चुने क्योंकि वो आपकी जिंदगी आसान बना देगी। सिमिलरली डिग्री के साथ आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, मैं भी मानता हूं, हम सब थे, लेकिन आगे चल के ये डिग्री फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी की डिग्री को बढ़ा देगा। और रेडियन जो कि आपके लिए अभी नया होगा, अगर अभी आप मेहनत करके इसे समझ जाते हैं और इसे अप्लाई करने लगते हैं तो आगे चल के ये फिजिक्स आपके लिए आसान बना देगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लेन एंगल्स पे और इसका जो यूनिट है रेडियन इस पे, इन शॉर्ट इसे RAD रैड कहा जाता है। ये फिजिक्स की राह को आपके लिए कितना आसान बना देगा ये तो समय आपको बता देगा। समय के साथ साथ आप ये जान जाएंगे, इसे जितना अप्लाई करेंगे आप उतना इसका इफेक्टिवनेस को आप समझ पाएंगे। पर आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये रेडियन जो है ये कौन सी बला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक सर्कल, ये इसका सेंटर है। एक एंगल हम मेजर करने वाले हैं, तो मान लेते हैं हम एक एंगल मेजर करने वाले हैं, ये वाला एंगल। हमें ये पता करना ये एंगल होगा कितना। चलिए इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। ये सर्कल जो है ये सर्कल कुछ ऐसा है कि इसका जो रेडियस है ये रेडियस है आर, और ये जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है इसका लेंथ है फॉर एग्जाम्पल एल। तो ये जो थीटा है जिसे कि हम प्लेन एंगल कहते हैं, ये थीटा इसे कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि द प्लेन एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द आर्क, ये वाला आर्क, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एंगल है प्लेन एंगल, ये 2 लेंथ्स का रेशियो है। इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा।
अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो लेंथ का यूनिट अगर मीटर मानते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में मीटर, डिनोमिनेटर में मीटर, सो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो प्लेन एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसके यूनिट के तौर पे हम लिखते हैं रेडियन। क्यों? क्योंकि ये समझाने के लिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो एक एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखें, एक प्योर न्यूमेरिक वैल्यू होगा, उसके साथ हम रेडियन रेडियन को जोड़ देते हैं ये समझाने के लिए कि ये एक एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो वैल्यू है ये है 1.2, तो हम ये नहीं कहते हैं कि एंगल इज 1.2, हम कहते हैं 1.2 रेडियन। इससे समझ में आ जाता है कि 1.2 रेडियन जो है ये एक एंगल है। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। मान ले कि आप एक वायर को देख रहे हैं, ये आपकी एक आंख है, आप एक वायर को देख रहे हैं, ये है वायर, ये एक वायर है, तो ये वायर आपके आंखों में एक एंगल सबटेंड करेगा। कितना? ये कुछ इतना एंगल सबटेंड करेगा, ये होगा वो एंगल। चल इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, ये है थीटा डैश। हम कैसे मेजर करेंगे कि ये थीटा डैश किसके बराबर होगा? तो पिछले वाले सिचुएशन को अगर आप कंसीडर करें तो इसी को अप्लाई करते हुए आप इस थीटा डैश को पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर थीटा डैश को पता करें और इसे रेडियन में रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। इस केस में हमने कैसे किया था, ये वाला एंगल पता करने के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसके सेंटर में होगा ये वाला पॉइंट। उसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये उस सर्कल के सेंटर में होगा। तो सर्कल हमने कुछ ऐसा एक सर्कल हमने बना लिया, कुछ ऐसा हम सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा ही बना रहे हैं। सो ये हो गया मान ले सर्कल जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इसे कर देते हैं एक्सटेंड कुछ ऐसे। तो एक आर्क बना यहां पर, देखिए ये वाला आर्क, लेट्स से ये आर्क जो है ये एल डैश है और यहां पर इस सर्कल का जो रेडियस है ये रेडियस आर डैश है। तो ये थीटा डैश किसके बराबर होगा? बहुत ही आसान है, थीटा डैश जो कि एक एंगल है, ऑब्वियसली ये रेशियो होगा इस आर्क का और इस सर्कल के रेडियस का। सो एल डैश टू आर डैश, इस रेशियो को हम कहेंगे कि ये होगा थीटा डैश और इसके बाद हम लगा देंगे रेड फॉर रेडियन। सो इतना रेडियन एंगल बनेगा। लेकिन अब अगर यहां पर वायर के बदले एक कागज हो तो अब सिचुएशन बदल गया। अब क्या है कि आप है यहां पर, आप अब आप एक कागज को देख रहे हैं, तो यहां पर क्या आप ये कह सकते हैं कि ये कागज आपके आंखों में एक एंगल सबटेंड कर रहा है? एंगल सबटेंड कब करता? जब एक ये वायर होता। ये कागज आपकी आंखों में एंगल सबटेंड नहीं करेगा बल्कि कुछ और ही सबटेंड करेगा। अब देखें, अगर हम सिर्फ इस साइड की बात करें तो ये साइड आपकी आंखों में एक एंगल सबटेंड करेगा, डेफिनेटली ये एक एंगल सबटेंड करेगा जो कि बराबर होगा इस एंगल के। उसी तरह से ये वाला लाइन सेगमेंट जो है ये आपके आंखों में इतना एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला लाइन सेगमेंट जो है वो आपके आंखों में कुछ इतना एंगल सबटेंड करेगा, सिमिलरली ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आपके आंखों में इतना एंगल सबटेंड करेगा। तो एज होल ये जो कागज है आपके आंखों में एंगल सबटेंड नहीं कर रहा बल्कि कुछ और ही कर रहा है, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे पिछले केस में हम कह रहे थे ये एंगल है, इसे थीटा से डिनोट कर रहे थे, अब ये देखे ये एंगल नहीं बल्कि सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, ये हुआ सॉलिड एंगल।
अब ये सॉलिड एंगल हम मेजर कैसे करेंगे, तो इसके लिए रेफरेंस के तौर पे लास्ट केस देख लें आप। यहां पर हम इस सिचुएशन में क्या कर रहे थे, हमने इन लाइंस को एक्सटेंड किया, लेकिन उससे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। हमने यहां पर ड्रॉ किया था एक सर्कल। इस बार हमें क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, इस बार हम ड्रॉ करेंगे एक स्फेयर। सो पहले तो इसे मिटा दिया जाए, इस बार हम ड्रॉ करेंगे एक स्फेयर, ऐसा स्फेयर जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट होगा। सर्कल हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे, जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट था। अब स्फेयर हम ड्रॉ करेंगे जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट को सेंटर बनाते हुए हम ड्रॉ करेंगे एक स्फेयर। सो हमने एक स्फेयर ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक स्फेयर जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट है। ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। अब इन लाइंस को कर देते हैं एक्सटेंड। सो इन लाइंस को हमने कर दिया एक्सटेंड कुछ ऐसे, यहां से कुछ ऐसे, और यहां से कुछ ऐसे। अब ये स्फेयर को जहां पर कट कर रहा है वहां ये अपना, ये जो कागज है ये अपना प्रोजेक्शन बनाएगा स्फेयर में। मतलब क्या है इसका, मान ले आपके आंखों की जगह पे यहां पर एक लाइट सोर्स है, तो उससे चारों तरफ लाइट निकलेगी। अब ये जो कागज है, ये कागज इस स्फेयर में एक शैडो क्रिएट करेगा। मान ले कि एक स्फेरिकल रूम है, स्फेरिकल रूम, ये स्फेरिकल वॉल है, ये कागज उस वॉल पे जो शैडो क्रिएट करेगा, उस शैडो की बात कर रहे हैं हम, उसी को ज्यादा टेक्निकली हम कहते हैं प्रोजेक्शन। इस कागज का इस स्फेयर में प्रोजेक्शन। तो अब ये इस स्फेयर में कुछ ऐसा एक शैडो सा बनाएगा, अगर यहां पर एक लाइट सोर्स हुआ तो। अब ये जो शैडो हम बात कर रहे हैं, जिसे कि टेक्निकली हम प्रोजेक्शन कहेंगे इसका, सो इसका जो एरिया है ये एरिया है ए। तो सॉलिड एंगल को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अ सॉलिड एंगल, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ओमेगा। ये हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, सॉलिड एंगल। सो दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, जो ये प्रोजेक्शन है यहां पर विच इज ए, तो सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय इस स्फेयर का जो रेडियस है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, इस स्फेयर का जो रेडियस है, ये वाला वो रेडियस है, इस स्फेयर का रेडियस, लेट्स से रेडियस इज आर, सो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी तरह से सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है, पिछले केस में हमने देखा था प्लेन एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन। इसका जो यूनिट होता है उसे कहा जाता है स्टेराडियन, STERADIAN, इन शॉर्ट इसे SR लिखा जाता है। जैसे रेडियन के लिए रैड लिखते हैं हम, स्टेराडियन के लिए SR लिखते हैं। तो ये देखे एक प्योर न्यूमेरिक वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये जो है सॉलिड एंगल इज सम एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर्ड। सो एरिया का यूनिट अगर देखें तो m मीटर स्क्वायर्ड, और लेंथ का स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कौन, सॉलिड एंगल। लेकिन ये समझाने के लिए कि ये एक सॉलिड एंगल है, हम यहां पर लिखते हैं SR, स्टेराडियन, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये एक सॉलिड एंगल है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको जिस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।